पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के 27वें जन्मदिवस पर शाहपुर में रैंत ब्लॉक में लमजोत स्थित ऐतिहासिक मंदिर चौकी माता के प्रांगण में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव केवल सिंह पठानी की अगुवाई में यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चौकी माता की यज्ञशाला में पहुंचकर वीरभद्र सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ साथ यज्ञशाला में आहुतियां भी डाली। पंडित सुशील कुमार ने इस दौरान अपनी अहम भूमिका निभाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की दीर्घायु के लिए शांति हवन का मंत्रोच्चारण भी किया। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि वीरभद्र सिंह वो शख्सियत हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक सूत्र में परोने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने जनता के दिलों में इस कदर पैंठ बनाई है कि वो आज भी लोग उन्हें अपने बीच में बतौर मुख्य अतिथि देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें आज भी याद है कि जब उनका जन्मदिन होता था तो उनके निवास स्थान हॉली लॉज में प्रदेश भर की संस्कृति की एक अनूठी झलक देखने को मिलती थी। आज क्योंकि वो अस्वस्थ हैं और कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में अब ये कार्यक्रम सीमित हो गया है और प्रदेश भर में सिर्फ हवन यज्ञ करके उनकी जल्द स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की जा रही है। ये पूरे प्रदेश वासियों का स्वाभिमान है कि ऐसा नेतृत्व हमारे को 6 बार बतौर मुख्यमंत्री मिला। मैं कहता हूँ इस गाँव में भी हूँ, इस गाँव में भी एक्शन HPTCL का और ये जो सड़कें हैं वो उसी शख्सियत की देन है। पूरे प्रदेश भर में मैं कहता हूँ आज 70 लाख अगर आबादी है तो कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ वीरभद्र सिंह जी ने बतौर मुख्यमंत्री अपनी विकासात्मक और खासकर सामाजिक हाजिरी ना लगाई हो। मैं कहता हूँ ये पहला अवसर है जब से मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, उस पार्टी में हूँ, ये पहला अवसर है कि आज हॉली लॉज में हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, हॉली लॉज में वो भीमा काली का संस्कृति है और बड़ी बड़ी नाटियाँ जो हॉली लॉज में डाली जाती थी। कोरोना जैसी महामारी आई लेकिन आज विक्रमादित्य सिंह जी ने विनम्र प्रार्थना की थी कि सारे ब्लॉक के प्रदेश भर में जो समापन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तो आज हमने ये राया साहब का जन्मदिन चौकी वाली माता के यहाँ आज हवन किया। तो आज ये हमारा यही विनम्र प्रार्थना थी और इस हवन से जरिए भी हम यही कहते हैं कि जल्दी सी, वैसे तो देवी देवताओं के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश की जनता के कोविड जैसे 2 बार उनको कोविड पॉजिटिव हुआ, कल वो स्वस्थ होकर एक आम बाड़ में लौटे हैं। हमारा आज यही मानना है माता रानी की कृपा से कि वो जल्दी स्वस्थ होकर लौटें और इस प्रदेश की सेवा जो है जिस तरीके से पहले करते रहे हैं वैसे ही करें, यही आज कुल मिलाकर। और ये भी यहाँ जिस तरीके से आज अनुरोध किया गया था क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, विक्रमादित्य सिंह जी ने कहा था गरीब आदमियों को किट बांटो, इसके बाद हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के जो आशा वर्कर्स हैं उनके लिए किट का डिस्ट्रीब्यूशन शाहपुर में कार्यक्रम रखा है। तो कुल मिलाकर यही प्रार्थना कि वो जल्दी स्वस्थ होकर लौटें।